तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी जो टाइम 7:30 बजे के आसपास हो गया है, मैंने जस्ट अभी जो है ब्लॉग लगाया है अपलोड पे। मैं आज छोटा ब्लॉग बना, सिर्फ 4 मिनट का था। मौसम में जो है बारिश हो रही लगातार, कल सुबह से ही बारिश चल रही है, रात में भी होती रही, सुबह भी हो रही है। मौसम जो है पकौड़ी वाला है, चाय के साथ पकौड़ी पड़ी। सुबह के टाइम जो है वीडियो अपलोड करने के टाइम पे जो है मुझे जो है ऊपर वाली छत पे आना पड़ता है। यहाँ पे सिग्नल थोड़े ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो मैं हल्का हल्का भीग रहा हूँ। थोड़ी देर करता हूँ यहाँ से, फिर नीचे चला जाऊँगा। जो है अभी थोड़ी देर बाद अल्लाह जाने वाले थे 9 बजे के आसपास, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। पापा ने कहा रहने दो, बारिश हो रही, बच्चे भी आएंगे नहीं, और ऐसा कुछ खास काम हो भी नहीं रहा वहाँ पे, तो आज घर पे रुके हुए हैं। जो है टाइम 2:45 बजे के आसपास हो गया है, अभी तक ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह से जो है चाय पीने के बाद जो है मैं फॉर्म भरने बैठ गया था, वो पेट करके फॉर्म है UP SSC का। अगर आपको UP में कोई भी एग्ज़ाम देना तो पहले पेट क्लियर करना पड़ेगा, तो मैंने अपना भरा। अभी उसमें फीस पेमेंट नहीं हो पाया, बच्चा है बहुत स्लो चल रहा था, सर्वर डाउन चल रहे हैं। प्रतीक्षा प्रियांशी का बच्चा, उनका डॉक्यूमेंट है मेरे पास, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो उसी में हम 2 से 2.5 घंटे चले गए मेरे। फिर मेरा सर दर्द होने लगा यार, कहीं लैपटॉप से भरा वो नहीं हुआ, फिर मोबाइल से भरा वो नहीं हुआ, तिबारा में जो है लैपटॉप फिल हो पाया फॉर्म। मौसम जो है ज़बरदस्त है, बादल है घिरे हुए काफ़ी तेज़ घने बादल, लाइट आ रही जा रही है। की स्पीड बिल्कुल ही गंदी सी आ रही, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा, ना कुछ ऑनलाइन चल रहा, टाइम काटना मुश्किल हो रहा, क्योंकि नेट चलाते चलाते आदत ऐसी ख़राब हो चुकी है, अगर नेट ना मिले एक दिन भी तो जीना मुश्किल सा लगता रहा। अभी तक जो है कई दिनों से स्टार स्पोर्ट वगैरह चैनल बंद थे, तो मैच वगैरह नहीं आ सकता था, लेकिन अभी मैंने जो है मिस कॉल दिया, एक नंबर दिया था कि मिस कॉल करो चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। तो पीछे जो है मैच चालू हो गया, अभी पहला सेशन चल रहा है, लगभग 20 ओवर 22 ओवर हुए, 1 विकेट आउट हुआ है, तो फाइनली मैच देख सकते हैं। कल का दिन तो बेकार ही चला गया। किशन जो भी जा रहा है अल्लाह का जो हाथों का आम लेके मौसी घर पे निकता, घर पे लेके जा रहा है, बोल हमसे भी रहे, लेकिन मेरा एक ऑर्डर आने वाला था प्रेस्टीज कुकर वाला, हम उसलिए नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें फंडा ये है कि अगर हम चले गए तो ये लोग जो है कांड नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है अभी। तो जो है उस साइकोलॉजी ऑफ मनी वाली बुक के कुछ 20-30 पेज बचे हैं, अभी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, कई दिनों से पढ़ी भी नहीं थी, मैं अभी दूसरी बुक शुरू कर रहा हूँ। ये 10 सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, राइटर हैं इसके मार्क मैनसन, इसके राइटर मार्क मैनसन। भाई अभी वो अमेजन वाला डिलीवरी बॉय आया था, तो असली वाला प्रेस्टीज कुकर देके गया अभी, तो हमने खोल के नहीं चेक किया, फिर तो बोल गए ऊपर से दिख तो रहा है फिलहाल में कुकर है, अंदर नहीं चेक किया, बहुत चेक कर लेंगे। और जो बात ये है कि पहले हमने सोचा कि उसका ये वाला प्रेस्टीज रख लेंगे, पैसे देंगे नहीं, बोला लाइटर लेके जाओ, लेकिन हमने सोचा गरीब आदमी उसे कहाँ परेशान करे, बहुत तो गलती वहाँ से हुई जहाँ से पैकेज आया था। तो जो है बता रहे रीज़न बता रहे, जो उनके डिलीवरी मैनेजर थे फरुखा, जो उनसे बात कर दी, तो बोले भाई पहले कस्टमर केयर पे बात करो, रीज़न सही से दो, क्योंकि जब आप यहाँ पे वो पैकेज रिसीव करने आते हैं तो वो स्कैन करते हैं, तो उसमें इंडक्शन बन के ही आ रहा है, ये दिक्कत हुई है। अब देखो क्या होता है, हमने तो ऑर्डर मंगा दिया, पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे 1740, वो तो गोविंदा तक था, उन्हें तो देना ही पड़ेगा। अमेजन वाले के चक्कर में जो शाम की चाय तो पीने भूल गया, शाम टाइम जो 6:30 बजे के आसपास हो गया, मधु चाचा की चक्की चल रही, उसी के बाद जा रही हूँ। पीछे किशन जो है पढ़ रहे हैं अपना, किशन कोचिंग चालू हो जाती है शाम को 6 से 7 के आसपास, जूम पे का कॉल होती है जूम पे, किशन जल्दी किशन के डाइट वाले स्टूडेंट्स हैं। चिमनी हुआ करती थी, चिमनी अभी भी है, पहले ऊँची हुआ करती थी, अभी छोटा करा के इस पर टाइल लगा दी है, तो बढ़िया सी जो है एक टेबल ऐसी बन गई, जिसे बैठ कर चाय पी सकते हो या फिर जो है पढ़ सकते हो पैर रख कर आराम से। इस बुक के मैंने 10 पेज कंप्लीट कर दिए हैं, टाइम कुछ 6:34 के आसपास हो गया। उसमें जो है पहला टॉपिक था द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, और वो एक रूल ऐसा है, एक लॉ ऐसा है, उसमें क्या बोलते हैं जब आप किसी चीज़ को लेकर दुखी होते हैं तब आप बार बार उसी चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया, मेरी वजह से क्यों हुआ। अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है तो उस गिल्ट को लेकर बार बार गिल्टी ऐसा फील करते हैं, तो जो है गिल्ट आपका कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, इस वजह से आप एक लूप में फंसे रहेंगे।
तो इसीलिए है डोंट गिव अ फक अबाउट एवरीथिंग, वो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ उसका मतलब गलत है, लेकिन किताब भी उसी के ऊपर है। वो शब्द को जो है 200 बार 50 बार सैकड़ों बार इस बुक में यूज किया है, और उसी में जो है कि जब आप बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तब आपका जो माइंड है वो नेगेटिव हो जाएगा, आपको मतलब नेगेटिव फीलिंग से आने लगेगी। लेकिन आप अपना जो है कोई एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लें कि मैंने एक काम नेगेटिव किया है या मैंने एक काम को गलत किया है, तो आपके अंदर जो है हल्का सी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। ये दो चीज़ें मुझे अभी समझ में आई हैं, तो इसी के लेकर सारा कुछ अभी चल रहा है यहाँ पे। आगे जो होगा मैं बताता रहूँगा आपको। लूप नहीं पता लूप क्या होता है, जैसे एक चक्कर मान लीजिए आप, एक आप जो है एक चक्कर में फंसे, एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, इसी लूप में फंसे रहेंगे, इसको लूप बोलते हैं। लिखा है कि अगर आप इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक लाइन बोल दीजिए कि I don't give a fuck about this मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये लिखा हो उस किताब में कि आप जो है हर चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। दुनिया बहुत बड़ी है, आप दुनिया में सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती रहेंगी, हमेशा हुई हैं, अब उन्हें चलने दीजिए जैसी हो रही हो। ये देखो बंदर, इतने हरामी बंदर हो गए सारे। आतंक मचा रखा है इन्होंने गांव में, पहली बात तो डरते नहीं है। आज जो है मधुर चाचा भी नहीं है साथ में, आज जो बिल्कुल अकेले ही है, उसके चारों तरफ से मोर की आवाज़ आ रही है, मोर और झेंगू और पक्षियों की आवाज़ आ रही है। टाइम जो 7:07 हो गए, आज तो इंटरनेट की स्पीड अभी तेजी करा ली, बिल्कुल कुछ डाउनलोड भी नहीं हुआ कि जो मैं कुछ देख पाऊँ मोबाइल पर। सामने जो है पापा आ रहे हैं स्कूटी से, कोयला वाले खड़ंजे पे हैं, वैसे स्कूल तक जाने से पापा के साथ ही निकल जाएंगे यहाँ से। तो जो है उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस बुक में आगे क्या क्या होता रहेगा मैं आप लोगों को आगे वाले आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा, अगर बस कल सुबह जो है नेट की स्पीड अच्छी आ जाए तब तो सही है, अगर स्पीड ना आई तो बड़ा दिक्कत होगी अपलोड करने में वीडियो। आज तो पूरे दिन ऐसे रह गया, कुछ चला नहीं पाए ना कुछ देख पाए ऑनलाइन।